मैं तो बताना चाहूँगा भाई, मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और आजकल जो म्यूज़िक वीडियो बन रही है वो लोग समझते हैं कि वायरव और धर्मा है। और ये लोग क्या करते हैं, अभी मैंने संजीव चतुर्वेदी को एक आर्टिस्ट से मिलवा दिया, संजीव चतुर्वेदी उस आर्टिस्ट को कहीं और मिलवा के उस आर्टिस्ट को कहीं और से काम दिला रहा है। मतलब हम कास्टिंग डायरेक्टरों के पेट पे लात मार रहा है कहीं ना कहीं। इसके पहले कशिका कपूर और सहज ये प्रतीक सेजपाल का जो गाना आया उसकी भी कास्टिंग मैंने की थी, बराबर, मैंने उसको फॉरगेट कर दिया। उसने कशिका कपूर को कहीं और से मिला दिया और कहीं और उसका मीटिंग करवा रहा है, कहीं और से काम दिलवा रहा है। कास्टिंग डायरेक्टर है या वो म्यूजिक डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, कौन है? हमारे जैसे लोगों के क्या पेट पे लात मार रहा है। तो मैंने फॉरगेट कर, चलो एक बार की गलती, माफ़ है। और रियलाइज़ भी नहीं कर रहा है बंदा ऊपर से घमंड और तकब्बुर इस कदर है उसके अंदर, अपने रहमान साहब को भी नहीं है, शाहरुख खान को भी नहीं है, अक्षय कुमार को भी नहीं रहेगा भाई, इतना घमंड और इतना तकब्बुर इस इंसान के अंदर है। तो अभी सना खान करके एक लड़की है, टिकटॉकर है, बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ी फेमस लड़की है, तो उसको मैंने उसके एक गाने के लिए कास्ट करवा दिया और उसको वो कहीं और मिलवा के कहीं और से उसको गाना दिलवा रहा है। मतलब इसने मेरे साथ दो बार कर दिया ऐसा। तो भाई मैं सोचा यार ये फिर ऐसा अगर मैं चुप बैठूंगा तो फिर ऐसा हर कोई करते जाएगा अपने साथ यार। और कास्टिंग डायरेक्टर मैं ही पहला आवाज़ उठाने वाला बंदा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो मैं आप लोगों की मदद मांगी, मैंने तो आप लोग मदद करने के लिए आ गए। तो ऐसे कई लोग और बाहर आएंगे कास्टिंग डायरेक्टर वाले जिनके साथ भी इस बंदे ने किया होगा और इसके जैसे और कई दूसरे बंदों ने भी किया होगा सेम चीज़। ये भी कहना चाहूँगा कि जो आर्टिस्ट आपसे जुड़ते हैं क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि हाँ लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो, वो किसी से अगर जाए पास में अगर काम उनको कोई ऑफर करे तो वो मना करें उस चीज़ को लेकर? नहीं नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर का क्या है पता है आपको भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर का कार्ड बनता है, डायरेक्टर का कार्ड बनता है, कैमरामैन, लाइटमैन और यहाँ तक के जूनियर आर्टिस्ट का भी कार्ड बनता है। एक ऐसा डिपार्टमेंट है कास्टिंग डायरेक्टर, उसका कार्ड हिंदुस्तान में नहीं बनता। वो मुकेश छाबरा के पास है, श्रुति महाजन के पास है, उन्होंने क्या है ना अब्रॉड से बनाया हुआ है, ये आप लोग पता कर लो। और मैं आप लोगों के माध्यम से है ना हमारी फिल्म कमेटी के पास में मैं ये एक दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ कि आप लोग कास्टिंग डायरेक्टर के लिए भी एक कार्ड बनाएं, जैसे आप प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लिए बनाते हैं, कैमरामैन और जूनियर आर्टिस्ट का भी कार्ड है, डांसर का भी कार्ड है, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर का कार्ड नहीं है। आपको पता है बात, आप लोगों को पता है? नहीं नहीं, पहली बार ये नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, आप लोग पता कराओ। एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि भाई कास्टिंग डायरेक्टर लोगों के लिए एक कार्ड बनाया जाए। लेकिन आप इंडस्ट्री में काफी समय से हैं तो जो काम मैं होता हूं मैनेजर करता है बेसिकली, कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे आप किसी को कास्ट करते हैं तो वो आपको नहीं लगता कि वो फ्री है किसी के साथ काम करने के लिए? मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? मतलब जब कास्ट आप करते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी आर्टिस्ट को तो दूसरे कास्टिंग डायरेक्टर भी कास्ट कर सकते हैं, दूसरे से भी जुड़ सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ये क्या है ना भाई, ये समझो आप एक आर्टिस्ट मैनेजमेंट का एक रूल्स एंड टर्म्स एंड पॉलिसी पूरी गूगल में पड़ी हुई है। अगर मैं ये कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और मेरी क्या है ना एजेंसी है, मेरी है एजेंसी, रजिस्टर है, उद्योग आधार सब है मेरे पास, तो मैंने आपको, आप प्रोड्यूसर हो, मैंने आपको एक आर्टिस्ट से मिलवा दिया, बराबर, आपने उसके साथ में काम करवा लिया, तो आप मेरे बिना उस आर्टिस्ट के साथ काम नहीं कर सकते हो। ये क्या हो गया, ये एक एथिक्स की बात होती है। एथिक्स क्या है ना, लोग चाहते हैं कि मेरे साथ लोग एथिक्स रहें, ऑनल मतलब लॉयल रहें, ऑनेस्टी के साथ रहें, लेकिन जब हमारी बारी आती है हम करना भूल जाते हैं, हम एथिक्स को फॉलो नहीं करते, हम लॉयल नहीं रहते, हम ऑनेस्ट नहीं रहते। नहीं कर सकते हैं ना भाई, एक आर्टिस्ट है ना, एक आर्टिस्ट भी नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की गलती है या फिर प्रोडक्शन हाउस की भी गलती है, यहाँ पे एक आर्टिस्ट को भी समझना चाहिए, ये कास्टिंग वाला मुझे काम दे रहा है तो उसकी भी वो रोजी रोटी है, बराबर, ये काम मुझे दिला रहा है तो वहाँ से मुझे जो भी काम आएगा मैं इसको बोलूँ, तो इसी को तो बोलते हैं ना भाई एथिक्स। आपकी बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे जितनी गलती संजीव चतुर्वेदी की है उतनी ही गलती एक आर्टिस्ट की भी है। मैं आर्टिस्ट को सही नहीं बोल रहा हूँ, आर्टिस्ट को सही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देख लो भाई अभी इसने तुमको ऑफर दिया तो आर्टिस्ट का भी काम बनता है कि भाई कास्टिंग वाले को मैं बोलूँ। कास्टिंग डायरेक्टर को क्या है ना भाई, ये लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये जो संजीव चतुर्वेदी जिस तरीके से बात करता है ना भाई, एकदम घमंड, वो कहते हैं ना भाई, किसी बहुत ही लेखक ने एक बात लिखी है, घमंड ना कर जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है पर तस्वीर बदलती रहती है। ये लोग घमंडी लोग हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो भी इश्यूज होते हैं, मान लीजिए सिंटा का कार्ड जाते हैं वो अपने इश्यू सॉल्व करते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स का क्या कोई यूनियन है, आप लोग का कोई ग्रुप है जहां पे आप डिस्कस नहीं है ना भाई, इसीलिए तो मैं आप लोगों के माध्यम से मैं ये बात रखना चाह रहा हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर की कोई यूनियन ही नहीं है, जूनियर आर्टिस्ट की है, डांसर की है, प्रोड्यूसर की है, सबकी है, कास्टिंग डायरेक्टर का कोई है ही नहीं भाई। और ये सबसे बड़ा जॉब है,
आप मीडिया वाले भी है ना, मैं कई बार देखा हूँ कि एक प्रोड्यूसर को एक डायरेक्टर को पूछते हैं, आप लोगों ने इतनी अच्छी कास्टिंग करवा ली, इतनी अच्छी आपने जोड़ी बनवा ली, लेकिन आप लोग भी ये सवाल करना भूल जाते हो कि भाई इसका कास्ट किसने किया। ये डायरेक्टर नहीं करता है, ये प्रोड्यूसर नहीं करता है, ये कंपोजर कास्ट नहीं करता है। हम जैसे कास्टिंग डायरेक्टर वाले आर्टिस्ट को उनको सजेस्ट करते हैं, भाई इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, लेकिन सब कास्ट करने वालों को ही भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना भाई कि कैप्टन ऑफ द शिप बोलते हैं डायरेक्टर को, डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ द शिप बोलते हैं, पायलट बोलते हैं उसको। उस पायलट, वो पायलट तब तक उड़ाएगा जब तक उसमें पैसेंजर आएंगे ना भाई। पैसेंजर को लाने वाला कास्टिंग डायरेक्टर होता है, और कास्टिंग डायरेक्टर को ही भूल जाते हैं। क्यों? हमारे हिंदुस्तान में कार्ड ही नहीं बना हुआ, कोई इंडियन ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि कास्टिंग डायरेक्टर बड़े जो लोग होते हैं ना, अभी मुकेश छाबरा है, वायरफ है, धर्मा है, रेड चिल्ली है, ये लोग बड़े ऐसे ही बड़े नहीं है भाई। ये अभी मुकेश छाबरा किसी, अभी समझो अपनी फातिमा सना शेख है, फातिमा सना शेख को उसने आमिर खान से मिलवा लिया, आमिर खान ने उसके साथ में काम करवा लिया, बराबर। ऐसे कई आर्टिस्ट को मुकेश छाबरा ने बनाया हुआ है, वो बहुत बड़ा आदमी है और बहुत अच्छा इंसान है। तो भाई फातिमा सना शेख के साथ अगला प्रोजेक्ट अगर आमिर खान को करना है ना, तो वो मुकेश छाबरा के साथ ही करेगा, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी कभी भी एथिक्स को फॉलो करता है। ये जो छोटे लोग जो होते हैं ना, ये छोटा आदमी है, चार गाने बना ले तो अपने आप को रहमान साहब समझने लगा है, समझ रहे हो? तो क्या है ना भाई, छोटे लोगों के साथ में, अभी मेरे जैसे, अभी मैं कोई उतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों की दुआ से मोर देन 50 म्यूजिक वीडियो किए हैं। आपने कहीं नाम सुना मेरा? आप लोगों ने कहीं नाम सुना मेरा? 50 से ज़्यादा म्यूजिक वीडियो किए भाई। ये प्रतीक सेजपाल हो गया, अभी मेरा गाना आ रहा है सिम्बा नागपाल के साथ, जो अभी बिग बॉस में भी था, अभी नागिन 6 भी कर रहा है, 16 तारीख को रिलीज़ हो रहा है जी म्यूजिक से। ऐसे अभी सोनू निगम जी के साथ मैंने गाना किया हुआ है, वो भी 16 तारीख को रिलीज़ हो रहा है। प्रतीक सेजपाल और कनिष्ठा कपूर का जो अभी म्यूजिक वीडियो लॉन्च हुआ था, उसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था, उसमें भी वाद विवाद हुआ था, क्या वजह थी? कोई जेन्युइन वजह थी कि बस ऐसे ही उस एल्बम को? भाई प्रतीक सेजपाल बेचारा बहुत ही अच्छा लड़का है, वो बहुत ही मेहनती है, क्योंकि मैं जब शूट कर रहे थे ना, हम वो अपना मांडवा में शूट कर रहे थे, हम मांडवा में, मैं उसके साथ में पूरी रात था। वो बेचारा इतना डाउन टू अर्थ है, इतना मेहनती है कि उसकी कोई हद नहीं है। अगर आप वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखो गौर से, तो कशिका कपूर जो है ना, संजू चतुर्वेदी के कान में पूछती है कुछ, अगर आप उसको बराबर सुनेंगे ना, क्या वही बोलना है, क्या वही करना है, मतलब वही बोलना है जो तुमने बोला हुआ है, वही करना है जो कॉन्ट्रोवर्सी हमने डिसाइड की हुई है, जो बोलता है हाँ वही बोलना, देखो उसका हाँ वही बोलना। तो उसके बाद में वो लड़की जो कंट्रोवर्सी की बात चालू करती है, तो कहीं ना कहीं उस छोटी सी दो शब्दों वाली कन्वर्सेशन से है ना, ये बात क्लियर होती है कि प्रतीक सेजपाल को बेचारे को बकरा बना के ना, अपने गाने को हिट करने के लिए ये संजीव चतुर्वेदी ने ये चाल चली है कशिका कपूर के थ्रू। वो भी बेचारी बहुत अच्छी लड़की है, कशिका कपूर क्या है ना, वो बहुत ही ऑनेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि कशिका कपूर बहुत अच्छी लड़की है, मेरे साथ मतलब बहुत ही अच्छा व्यवहार है, उसके फादर का, उसके मदर का, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन ये जो है ना भाई, ये उसको जो है ना ये कर दिया, क्या ब्रेन उसका वॉश कर दिया अपने खुद के गाने को हिट कराने के लिए, और वो गाना ही नहीं चला भाई। इतना अच्छा गाना उसका, यासिर देसा उसका सिंगर था, लेकिन साला चला नहीं, क्योंकि ना नेगेटिविटी किस चीज़ में आती है ना, वो चीज़ अच्छी होने के बावजूद भी नहीं चल पाती है भाई। तो ये प्रॉब्लम आपको कहाँ से आया, और आपने कैसे सोचा कि मेरे को फिर कंसर्न करना चाहिए? देख लो, ये प्रतीक सेजपाल और कशिका कपूर का जो गाना हुआ, उसके मतलब उस गाने में भी इस बंदे ने मेरे साथ चीटिंग की, और बंदा मुझे फ़ोन करके धमकी देता है, मैं तेरा को क्रेडिट नहीं दूंगा, मैं तेरे को कहीं नाम नहीं डालूंगा, और एकदम बदतमीजी से बात करके मुझे कल, अभी परसों मैं तुमको फ़ोन किया ना, ऐसा ऐसा हुआ यार मेरे साथ। तो भाई उस, और मुझे क्रेडिट भी नहीं दिया, क्रेडिट भी नहीं दिया मेरा, मुझे कहीं पर टैग भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। मेरे भाई हमारी मैंने हमारे पेट पे तुम लात मार रहे हो, तो इसके पहले किया वो कशिका कपूर। मैंने बोला यार फिर से उसने कर दिया सना वाले गाने में, कब तक मैं चुप बैठूँ यार? अभी जुल्म करने वाला भी गलत है और जुल्म सहने वाला भी गलत है ना। जुल्म तुम्हारे साथ में हो रहा है, तुम कब तक चुप बैठोगे और कब तक खामोश रहोगे? आवाज़ तो, अल्फाज तो आपको उठाना पड़ेगा ना भाई। अभी क्या कदम उठाने वाले हो इसके बाद? नहीं, इसके बाद तो मैं देखते हैं क्या पब्लिक का सपोर्ट मिलता है, आप लोगों को कितना सपोर्ट मिलता है इसमें, क्योंकि मीडिया वाले ही किसी को उठाते हैं और मीडिया वाले ही सबको गिराते हैं भाई, क्योंकि आप लोग ही हो सब कुछ। देखो मैं आपके पास आया मेरी प्रॉब्लम लेके, आपके पास बस क्या ही बोलूँ मैं यार, आप समझो मेरी फीलिंग को कि भाई बहुत ही गलत हो रहा है कास्टिंग वालों के साथ, इतना गलत हो रहा है। ये स्पेशली ये म्यूज़िक वीडियो वाले बड़े बड़े लोग सिनेमा जो बनाते हैं वो लोग नहीं करते हैं, और वो लोग कास्टिंग डायरेक्टर की वैल्यू क्या है उनको मालूम है, और मैं साउथ का आदमी भाई, और हम है ना लॉयल और एथिक्स और ऑनेस्ट, हम ये सबको लेके चलते हैं, अपनी कुछ प्रिंसिपल है उसको हम ब्रेक नहीं करते। और आप लोगों ने देखा है कि साउथ अभी कैसा आ रहा है, हम बहुत टैलेंटेड लोग हैं, हमसे ये लोग क्या है ना थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं, ऐसे जो संजीव चतुर्वेदी जैसे फेक फ्रॉड लोग हैं। नहीं, मैंने एक एडवोकेट के पास भी बात की है, अब वो एडवोकेट मुझे बोला कि उसके ऊपर मैं पूरा बना रहा हूँ केस संजू चतुर्वेदी के ऊपर, और भी मेरे कई जानकार लोग हैं जो कानून कायदा जानते हैं, क्योंकि कानून के बाहर जाके अपने को कुछ करना नहीं भाई, ना ही अपने को किसी को गाली गलौज देना है,
गाली गलौज तो हमको आता नहीं है, गाली गलौज देके किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके बस अपने अपने हक के लिए सही अल्फाजों में और सही जगह पे आवाज उठाना सीखा है मैंने। आपने बताया यूनियन तो है नहीं, हाँ, लेकिन इंडस्ट्री में तो ऐसे लोग होंगे जो जिन जो आपके संबंध और उनके संबंध एक ही होंगे, बीच बचाव का कोई रास्ता निकाला होगा, बात की है ऐसा कुछ? नहीं, मैंने किसी के पास बात नहीं किया भाई, लेकिन अब करूंगा बात, अब बात करूंगा, क्योंकि करना बहुत जरूरी है। कब तक खामोश बैठेंगे भाई, गलत हो रहा है तो फिर कब तक खामोश बैठेंगे? ये आप, ये मेरा पहला है जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इस बारे में, वरना मैंने अभी तक किसी के पास डिस्कस नहीं किया, बस एडवोकेट के पास किया और मेरे दो चार जानने वालों के पास किया, हमारे आबिर भाई भी हैं, आबिर भाई के पास भी मैंने डिस्कस किया, तो आबिर भाई ने बोला नूर ज़्यादा खामोश मत रहो, और हमारे करनी सेना के एक है हमारे सुजीत भाई, उनसे भी मैंने डिस्कस किया, उनका भी मुझे बोला नूर गलत हो रहा है, तू टेंशन नहीं ले, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, नहीं नहीं मुझे ब्लॉक कर दिया भाई सब जगह से, कहाँ से बात करूँ मैं? नहीं, उसका जो पार्टनर है अजय केसवानी नाम है उनका, उनको मैंने बता दिया, इसके पहले वाला मैटर भी मैंने उनको बताया था कि भाई संजीव भाई, ये देखो ये हमारे क्या है ना, हमारे मतलब तरबियत है जो हम उनके पीछे भी उनको संजीव भाई बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे कि वो हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं संजीव बोल के बात नहीं करूँ, क्योंकि हमको सिखाया नहीं गया है किसी को डबल क्रॉस करो या फिर किसी को डिसरिस्पेक्ट करो, किसी के साथ बदतमीजी से बात करो, बस अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। लेकिन भाई उसका अजय ने मुझे बोला कि भाई यार नूर ये तो भाई गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं है, ऐसा आदमी तुम्हारे साथ नहीं है भाई, ऐसा आदमी वो बाहर वालों के पास है। तो मैंने उसको बोला, कल भी मैंने बात की अजय भाई से, अजय भाई ने बोला मैं भी बात करता हूँ, मुझे फ़ोन करता है, बोला आधे घंटे के पास, वो उसका भी मुझे फ़ोन नहीं आया। और कुछ भाई सर, इसके अलावा आपका कुछ आने वाला कोई गाना कुछ आने वाला? भाई मेरे बताया ना मैंने, 16 तारीख को एक सिम्बा नागपाल के साथ आ रहा है जी म्यूजिक से, जो अपना नागिन कर रहा है, जो इसमें था बिग बॉस में भी था, और एक 16 तारीख को सोनू निगम सिंगर है और जो दो अपने इन्फ्लुएंसर है क्रिएटर है उनके साथ आ रहा है, आमिर अरब और एक सृष्टि की लड़की है। करियर मेरा भाई, मैं तो कास्टिंग में भाई 2016-17 से हूँ, उसके पहले तो मैं गल्फ में ही था, मुझे कुछ सिनेमा के बारे में मुझे कोई सपोर्ट रिपोर्ट किसी का था नहीं, मुझे सपोर्ट किए बस अपने एजाज खान है जो आप लोग जानते हो, एजाज खान ने मुझे सपोर्ट किया बहुत ही कास्टिंग में आने के लिए, जो है जो क्या है ना, जो आदमी तुम्हारे साथ गलत करता है उसको भले तुम माफ़ कर दो, लेकिन जो तुम्हारे लिए अच्छा करता है उसको कभी ज़िंदगी भर मत भूलो, क्योंकि ये शाहरुख खान के शब्द है भाई, अच्छा करने वालों को कभी लाइफ में मत भूलो।